मसूदा विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी भाई सचिन सांघला का स्थानीय विजयनगर में दौरा किया, जिसके जगह जगह भव्य स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान आमजन का जो स्नेही और प्यार मिला उसे देखकर कई प्रत्याशियों के छक्के छूट गए हैं। मसूदा विधानसभा क्षेत्र में अभी 9 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक के प्रत्याशी भाई सचिन सांघला अपनी भड़क कायम कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान हर जगह अपर जन समर्थन के साथ जोरदार भीड़ देखने को मिल रही है। विजयनगर में आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी सचिन सांघला अपने जनसंपर्क के दौरान ग्रामीण जन सहित महिलाओं और नवयुवकों पर भारी बहुमत के साथ अपार प्यार व स्नेह मिला और मांगलिक गुड़ से तोल कर हर जगह जगह परंपरागत माल्यार्पण सहित साफा बनवाकर भव्य स्वागत सत्कार किया गया। जापे जन समर्थन में दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी भाई सचिन सांघला ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपना सेवक बनकर आया हूं और मुझे झूठे वादे करने नहीं आते। अगर आपने मुझे इस समय जिताकर विधानसभा भेज दिया तो मैं आपके लिए 24 घंटे आपके हर सुख दुख और सेवा कार्य के लिए तत्पर रहूंगा और आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। वही मौजूदा विधानसभा क्षेत्र का हर वर्ग और 3600 कोम का साथ मिलकर चहुमुखी विकास करूंगा। जनसंपर्क के दौरान आज सामाजिक बंधु मूलचंद नाबेड़ा, अनिल कचारा, मुकेश तातेड़, सुभाष अजमेरा, देवेंद्र डोसी, दिनेश संघवी, संदीप नाबेड़ा, गौतम विनायक, सुरेंद्र पिपाड़ा आदि समर्थक और कार्यकर्ता मिलकर भारी भीड़ ने जनसंपर्क को सफल बनाया। विजयनगर में और आम चुनाव के बारे में, विधानसभा चुनाव के बारे में आम जन की राय लेते हैं, क्या कहती है जनता और कहां जा रहा है जनता का रुख और क्या यहां की जनता करने जा रही है मतदान में, वो आपको अभी आम जन से रूबरू कराते हैं। आइए हम विजयनगर के यहां मतलब होटल पे जो चर्चा चल रही है उसके बारे में जानते हैं। आप सर सुखराम दिनेश सिंह बोल रहा हूँ। आप मतलब कहाँ के रहने वाले? मतलब ये विजयनगर आपके यहाँ जो आप चाह रहे मतलब ये विधानसभा चुनाव चल रहा है, 25 को वोट चलने हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मौजूदा विधानसभा चुनाव में हमारी एक ही राय है कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। हमारे आगे समस्या कोई हो तो स्थानीय निवासी को बोल सकते हैं। यहाँ अपार जन समर्थन सचिन जी सांघला को मिल रहा है, हर गांव से, हर वार्ड से। 5 साल का इनका कार्यकाल भी देखा, चेयरमैन भी रहे, नवयुवक है, युवा है, उत्साह भी है, इनमें लगन भी है काम करने की। बहुत अच्छा अपार जन समर्थन मिल रहा है इनको। पिछले 5 साल कार्यकाल भी देखा था, उसमें ऐसा कोई भी नहीं है कोई समस्या जो भी अभी तक भी बनी हुई है, वो कोई समस्या हुई नहीं। जैसे पानी समस्या पिछले 5 साल में कुछ हुई नहीं, तो स्थानीय वार्ड में चुन के लोकल प्रत्याशी को चुन करते हैं, इसमें हमारी समस्या जल्द से खत्म हो सकती है। क्या आप ऐसा लग रहा आपको कि भाई सचिन जी सांघला के समर्थन मिलना, आपको क्या देखने को मिला? सचिन जी सांघला का हम घूम रहे हैं हर गांव में, अपार जन समर्थन मिला, वसुंधरा को अपार जन, हर गांव से, हर गली मोहल्ले से, हर बाहर से, यहाँ से अपार जन समर्थन मिल रहा है। हम इनके साथ में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और परिवर्तन चाहती है इस बार, परिवर्तन चाहती है। ऐसा क्या रहा 5 साल के पूर्व में जो कार्यकाल रहा विधायक का, उसके बारे में ऐसा क्या रहा जो आपका रुख चेंज हो रहा है? यहाँ बीजेपी में पानी की समस्या जो भी बनी है, अभी चाहती है पानी की समस्या जल्द से खत्म हो सकती है, लेकिन पानी की समस्या वैसे वैसे 72 घंटे में नला आ रहा है। पानी की समस्या वैसे वैसे बनी रही है, उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, जैसे जैसे समस्या बनी हुई है। आप इस चर्चा में आप शुभ नाम आपका? संदीप जी नाबेड़ा। संदीप जी नाबेड़ा, आप जैन है? जैन। आपका मतलब आपका क्या रुख है और यहाँ की जनता का क्या रुख है, आप भी कुछ बताएंगे? मेरा रुख तो यही है कि युवा है और बहुत काम करने का लग्न है और गाँव में बहुत अच्छा स्पोर्ट मिल रहा है और सब जनता यही चाहती है कि स्थानीय वाद को कुल मिला के लेकर आए और आगे अच्छा काम हो। देखा, हमने देखा यहाँ की जनता का रुख और जनता को हमारे एक्सप्रेस न्यूज भारत को अपना मतलब विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखा इस तरह से यहाँ का माहौल अपने नवयुवा जोशीला की तरफ बढ़ रहा है, जो देखते हैं आने वाली 25 तारीख के बाद जो मतदान करने के बाद जब मीडिया खुलेगी, देखता किसके बाद बाकी कुर्सी के अंदर जनता बनाती है और किसे अपना ये कुर्सी सुपरदस्त करती है। घनश्याम दास, अजमेर, इमारत की रिपोर्ट। जी सर, आप मसूदा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए
आपका शुभ संदेश क्या देना चाह रहे हैं? अगर आप MLA बने तो आप अपने मौजूदा विधानसभा में क्या भूमिका आपकी रहेगी? साहब, मैं सचिन सांगला, सबसे पहले माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब का, माननीय चंद्रशेखर जी आजाद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे जनता के बीच में भेजा। और आज मैं पूरे मसूदा विधानसभा क्षेत्र से एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के बीच में आश्वासन की बात नहीं करूंगा, पूरे विश्वास की बात करूंगा। और आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं तो केवल और केवल सेवा करने के भाव से आया हूं, और जीवन भर जब तक जीऊंगा, जीवन के अंत तक केवल और केवल जनता की सेवा के उद्देश्य से इस राजनीति के अंदर मैं आया हूं। आप मतलब आपको जो मसूदा विधानसभा क्षेत्र में जो यानी जनमत मिल रहा है उसके बारे में आप जनता को क्या संदेश? सर, चारों तरफ का आप व्यूज देख रहे हो, लगभग 280 गांव का दौरा हम लोग कर चुके हैं, और 280 गांव के अंदर में जो अपार जन समूह का जो हमें समर्थन मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ शायद जीवन के अंदर में, इतिहास के अंदर में, मसूदा के अंदर में जो काम नहीं हुआ वो आज की तारीख के अंदर में पब्लिक के सामने, और पब्लिक इस चीज का साक्षी है कि हर जगह जगह पर उन्होंने पूरा सम्मान, मान सम्मान, और कहीं ना कहीं उन्हें मुझके अंदर में एक ऐसी ललक दिख रही है कि ये बेटा जनता की सेवा कर सकता है, और मसूदा विधानसभा की सेवा करने के लिए उन्होंने मेरा चयन किया और मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और आपसे करना चाह रहा हूँ। मसूदा विधानसभा क्षेत्र में जो समस्या चल रही है उसको लेकर अगर आपका क्या रहेगा? साहब, 280 गांव, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हर गांव के अंदर में हो, हर गांव के अंदर में समस्या समस्या समस्या, लेकिन समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि जिसका समाधान ना हो सके। लेकिन आदमी में काम करने का जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। अगर जज्बा और जुनून के साथ में काम करे तो मसूदा विधानसभा के अंदर में ऐसी कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। रोड की, नालियों की, पानी की, बिजली की, चिकित्सा की, जिस गांव में गए उस गांव में समस्या ही समस्या है। तो मेरा जनता से केवल एक ही निवेदन है कि आश्वासन नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ में 5 साल आगे आप लोगों की सेवा करूंगा, और जीवन में जीऊंगा तब तक आप लोगों की सेवा करूंगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम।